ओके हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ डॉक्टर संजीत कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, द प्लांट इरिटेंट। द अदर नेम फॉर द सेमीकार्पस एनाकार्डियम इज द मार्किंग नट, बिलेवा सीड एंड धोवी नट्स एंड वेला। मार्किंग नट, इम्पोर्टेंट मार्किंग नट, विलेवा सीड, धोवी नट्स और वेला। दिस इज द प्लांट ऑफ सेमीकार्पस एनाकार्डियम एंड दिस इज द सीड फॉर एनाकार्डियम सेमीकार्पस एनाकार्डियम। एंड दिस इज द हर्ट शेप विद अ स्टॉक ऑन द टॉप। फीचर्स, ब्लैक कलर जूस ऑब्टेन फ्रॉम यूज टू मार्क ऑन द क्लॉथ बाय द वॉशरमैन। तो फर्स्ट सोक इन वाटर, वाटर में सोक करेंगे, देन जूस इज टेकन बाय द टिप ऑफ द नीडल बाय स्क्रेचिंग ऑन द पेरिकार। पेरिकार को स्क्रेच करके टिप के नीडल के टिप से जूस को निकालेंगे एंड देन टिप इज डीप इन द लाइम वाटर एंड देन यूज फॉर मार्किंग। दिस इज द हर्ट शेप, सीड इज हर्ट शेप एंड स्टॉक ऑन द टॉप एंड दिस इज द प्रो इन्फ्लामेटरी एंड प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल ब्रूज। आर्टिफिशियल ब्रूज प्रोड्यूस करेगा, हर्ट शेप का है ये इम्पोर्टेंट है और ये क्लोथ को मार्क करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, प्रो इन्फ्लामेटरी है। देन क्लिनिकल फीचर, ऑन एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रोड्यूसेस पेनफुल ब्लिस्टर, पेनफुल ब्लिस्टर प्रोड्यूस करेगा और इंटेंस इचिंग, इंटेंस इचिंग। लॉन्ग टर्म में अगर हुआ तो अल्सर प्रोड्यूस करेगा। ऑन ओरल एप्लीकेशन प्रोड्यूस करेगा ब्लिस्टर ऑन द थ्रोट, सीवियर जीआईटी इरिटेशन, डिस्निया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डायलेटेड पीपल्स, डेलीरियम एंड डेथ। ओरल यूज में लार्ज डोज प्रोड्यूस करेगा ब्लिस्टर्स ऑन द थ्रोट, सीवियर जीआईटी इरिटेशन, डिस्निया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डायलेटेड पीपल्स, डेलीरियम एंड डेथ। देन एक्टिव प्रिंसिपल, सेमी कार्पस है सेमी कार्पोल, विलावा सीड है तो विलाविनोल, सेमी कार्पोल एंड विलाविनोल। फेटल डोज 5 to 10 gram, फेटल पीरियड 12 to 24 hours। देन डिफरेंस बिटवीन द ट्रू ब्रूज और आर्टिफिशियल ब्रूज एंड फॉल्स ब्रूज। तो ट्रू ब्रूज में कॉज क्या है, ड्यू टू ट्रोमा, ट्रोमा के कारण होगा ये, ड्यू टू ट्रोमा। और फॉल्स ब्रूज, अप्लीकेशन ऑफ इरिटेंट सब्सटेंस, इरिटेंट सब्सटेंस अप्लाई करेंगे तो उसमें फॉल्स ब्रूज आएगा। साइट क्या है ट्रू ब्रूज का, एनी वेयर, कहीं भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स ब्रूज एसेसिबल साइट पर, खुद से करना है तो एसेसिबल साइट पर ही होगा। मार्जिन, ट्रू ब्रूज का ये रेगुलर मार्जिन है जबकि फॉल्स ब्रूज का रेगुलर मार्जिन है, फॉल्स ब्रूज में रेगुलर मार्जिन है। शेप, ट्रू ब्रूज राउंड शेप का, फॉल्स ब्रूज इरेगुलर, इरेगुलर शेप। कलर डिपेंड ऑन द एज ऑफ द ब्रूज, ब्रूज के एज पे डिपेंड करेगा कलर। इसमें फॉल्स ब्रूज ऑलवेज ब्लैक, फॉल्स ब्रूज ऑलवेज ब्लैक। कंटेंट, ट्रू ब्रूज में ब्लड कंटेंट में ब्लड रहेगा उसमें, इसमें एक्रिड सेरम, एक्रिड सेरम। इचिंग एब्सेंट होगा ट्रू ब्रूज में, प्रेजेंट होगा फॉल्स ब्रूज में। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा फॉल्स ब्रूज में। केमिकल टेस्ट करेंगे तो, केमिकल टेस्ट करेंगे तो एब्सेंट हो जाएगा ट्रू ब्रूज में, फॉल्स ब्रूज में प्रेजेंट फॉर केमिकल्स, जो भी केमिकल, जो भी हम इरिटेंट यूज कर रहे हैं उसका केमिकल प्रेजेंट आएगा। यहाँ पर केमिकल टेस्ट पॉजिटिव, इसमें एब्सेंट रहेगा क्योंकि इंजुरी से, ट्रॉमा से हुआ, इसलिए केमिकल टेस्ट एब्सेंट रहेगा, इसमें केमिकल टेस्ट प्रेजेंट होगा। तो ये होगा इसका डिफरेंस ट्रू ब्रूज और फॉल्स ब्रूज का, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑलवेज आस्क इन द वाइबा क्वेश्चन, ट्रू ब्रूज एंड फॉल्स ब्रूज। देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में एबीसीडी, गैस्ट्रिक लवाज, डिमल्सन ड्रिंक, इफ अप्लाइड ओवर द स्किन वॉश करेंगे ल्यूक वार्म वाटर से कंटेनिंग एंटीसेप्टिक एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ब्लिस्टर्स दिखे कहाँ पे, माउथ पे, थ्रोट पे और स्टमक पे, स्टमक में कोसा कंजेस्टेड एंड ऑल इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड, जितना भी इंटरनल ऑर्गन है सब कंजेस्टेड होगा। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका है, तो होमिसाइडल और सुसाइडल रेयर है। प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स ब्रूज, क्रिमिनल एबॉर्शन यूज करते हैं इसको, यूज बाय द मेलिंगर्स टू प्रोड्यूस कंजेक्टिवाइटिस। जूस इज इंट्रोड्यूस टू द वजाइना एज ए पनिशमेंट फॉर इनफिडिलिटी एंड द जूस मे बी थ्रोन ऑन द बॉडी टू कॉज द इंजुरी, तो विटिलेज में आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो पनिशमेंट फॉर इनफिडिलिटी, विटिलेज, कंजेक्टिवाइटिस, क्रिमिनल एबॉर्शन, फॉल्स ब्रूज, ये इसका इंपॉर्टेंस है, मेडिकल इंपॉर्टेंस है। दिस इज ऑल अबाउट सेमीकार्पस एनाकार्डियम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।